1-0 अप, पहला मुकाबला भारत ने जीता है। हालांकि मार्जिन अगर आप देखें 12 रन से जीता, वो भी आखिरी ओवर में तो 20 रन रहते थे, और 20 रन का मतलब था कि बृहस्पति के हाथ में गेंद थी। उन्होंने पहली गेंद पर शार्दुल को मारा छक्का, अगली बॉल हो गई वाइड, यानी कि वहां से 5 गेंदों में 13 रन, विकेट एक ही थी, ब्रेसवेल के पास स्ट्राइक थी। मुझे लगा उस वक्त की मैच निकल गया। 206 का मतलब है तकरीबन 10 रन एंड ओवर भारत ने 6 विकेट गिरने के बाद खा लिए। समझे, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसका पहला मैच परसों खेला गया भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में। भारत के सिर्फ एक खिलाड़ी शुभमन गिल ने 208 रन की बारी खेली, जबकि बाकी तकरीबन तमाम बैटर्स नाकाम दिखाई दिए। लेकिन उस 208 रन की बारी की वजह से भारत का स्कोर 349 रन तक पहुंचा। लग ही रहा था कि वन साइडेडली भारत ये मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग जो कि पहले पहल कोलैप्स हुई, लेकिन फिर उसने रिवाइव किया, और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था जिस तरह भारतीय बॉलर्स की धुलाई हो रही थी कि न्यूजीलैंड ये मैच बड़ी आसानी से निकाल जाएगा। मैच आखिरी ओवर तक गया, लेकिन बदकिस्मती से न्यूजीलैंड की टीम 12 रन पहले ही आउट हो गई। 4 गेंदें अभी भी बाकी थी, एक दो गलत शॉट्स ना खेली जाती तो आसानी न्यूजीलैंड वो मैच जीत सकता था, और 349 रन का टारगेट पूरा करना कोई मामूली बात नहीं होती। ये वो मामला है जिसके बाद अब भारत के सहाफी अपनी टीम पर जीत के बावजूद बड़े बुरे तरीके से बरस रहे हैं कि एक खिलाड़ी तुम्हारा बैटिंग करता है, बॉलिंग तुम्हारे पास है नहीं, इस तरह तुम वर्ल्ड कप कैसे खेलोगे। आगे चलकर आपको इस सारे मैच पर विक्रांत गुप्ता का एनालिसिस दिखाएंगे कि किस तरह वो एक एक खिलाड़ी को लेकर सवालात खड़े कर रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ हम मैच तो जीत गए थे, लेकिन उसमें भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था, हमारे बॉलर्स की धुलाई हुई थी, और आखिर मगर श्रीलंकन प्लेयर्स रन आउट ना होते तो हम वो मैच भी बुरे तरीके से हार जाते। यानी 340-50 रन स्कोर करने के बाद भी भारतीय बॉलर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अच्छे तरीके से उसे डिफेंड कर सकें या दूसरी टीम को मुश्किल में डाल सकें। ये भारतीय सहाफी अब सवालात खड़े कर रहे हैं अपने ही खिलाड़ियों पर, और आगे कर आपको विक्रांत गुप्ता की ही जुबानी ये सारी कहानी सुनाएंगे कि भारत की टीम में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन वही भला हो, ब्रेसवेल थोड़ा अंदर शफल कर गए, उनके पैर पर गेंद लगा और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। भारत 12 रन से ये मैच जीत गया, लेकिन इस मैच ने एक और डबल सेंचुरी दिया इंडिया को, शुभमन गिल। ईशान किशन ने बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में डबल सेंचुरी, उसके बाद जब श्रीलंका की सीरीज शुरू हुई उनमें से मैं भी था जिन्होंने कहा यार डबल सेंचुरी बाहर बैठेगा, क्या टीम ने शुभमन गिल को मौका दिया। वहां पर उन्होंने 70 बनाया, उसके बाद उन्होंने 100 बनाया, और आज उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल की आज की बैटिंग तकरीबन वैसी थी जो विराट ने पिछली पारी खेली थी, यानी कि आखिरी वनडे श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर आखिरी कुछ गेंदों पे विराट ने छक्के मार मार के न सिर्फ अपना स्कोर बहुत आगे ले गए, बल्कि भारत को वो टोटल दे दिया जहां से वो जीत सकता था 390। आज शुभमन ने यह किया, क्योंकि शुभमन के अलावा रन नहीं है किसी के। रोहित शर्मा ने ऊपर से रन बनाए, थोड़े से सूर्य कुमार यादव ने बनाए, हार्दिक पांड्या ने स्लो रन बनाए, लेकिन हुआ क्या, एक वक्त 270, फिर 280, फिर 290, लेकिन शुभमन ने जो एंड में जाके बैटिंग की है लास्ट, अब मान लीजिए कुछ 40 गेंदों में उन्होंने रन बनाए, आप पहुंच गए 349 पे। अब 349 रन आज के तारीख में इंडियन पिचेस पे, स्पेशली अगर आपने बाद में गेंद करना है, हालांकि आज ड्यू नहीं था, रिस्की हो गए, वो बहुत रिस्की हो गए, क्योंकि श्रीलंका का भी वो मैच याद कीजिए, शनाका ने वो इनिंग खेल दी थी, तो शनाका चाहते यार 350 करके भी इंडिया हार सकता था, ये सोचकर डर लगता है। और मुझे लगता है कि यहां से रोहित शर्मा को अब ये एक सीख मिलेगी कि जब आप बैटिंग करते हैं आपको क्या जहनी टोटल रखना है। हर मैच में 350 नहीं बनेंगे, लेकिन कभी कभी आप 350 बना के चेज भी करवा देंगे, इस चीज का डर रहेगा भारत को। अच्छा मैं कंपैरिजन आपको देता हूं भाई, श्रीलंका वाला वो मैच भी ऐसे ही था ना, श्रीलंका की विकेट तो गिर गई थी, लेकिन एंड में आके आपने करते 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 ओ वहां तक ले गए। आज भी देखिए भारत और न्यूजीलैंड का कंपैरिजन, एक वक्त जब न्यूजीलैंड 350 चेज कर रहा था, उनका छठा विकेट 131 पे गिरा, 131 पे 29 ओवर खत्म होने वाले थे, यानी कि वहां से उनको अगर मैच जीतना था तो 219 रन बनाने 21 ओवर में, यानी कि तकरीबन 10.5 रन ओवर इन अ वनडे मैच, 21 ओवर में बनते ही नहीं है, 6 ओवर भी हो गए, लेकिन आप 12 रन से मैच जीते, यानी कि उन्होंने 206 रन बनाए हैं उन 21 ओवरों में। 206 का मतलब है तकरीबन 10 रन एंड ओवर भारत ने 6 विकेट गिरने के बाद खा लिए। वो तो सिराज ने बॉल डाल दिया और सिराज ने जबरदस्त गेंद किया कि आप मैच जीत गए, कुलदीप ने बीच में दो आउट कर लिए। भारत का भी कंपैरिजन करें, भारत संभाव इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चल रहा है, लेकिन नीचे से आके आप कभी विराट के बल्ले से वो रन, तो कभी आज शुभमन गिल के बल्ले से वो रन चाहते थे, आपके नीचे वाले बल्लेबाज आकर वो रन नहीं बना रहे, जिस चीज का खौफ आप हार्दिक पांड्या का या बाकियों का हो। मसलन आप भारत का स्कोर क्या था, अगर वही स्टेज पर 29 ओवर को बेंचमार्क रखें तो भारत का चौथा विकेट गिरा था 175 रन थे और उनका छठा विकेट गिरा था 131 रन थे, यानी कि उस वक्त भी भारत उनसे 44 रन आगे चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने वो फासला कवर किया 6 विकेट गिरने के बावजूद, और भारत को अगर शुभमन गिल ने आखिर में वो लंबे लंबे छक्के ना मारे होते 350 भी नहीं बनते। तो मुझे लगता है कि ये एक सीख भारत को लेनी होगी, टीम अच्छा खेली है,
वनडे देखिए, एक रन से जीते या 100 रन से जीते, जीत जीत है। ये टीम 317 रन से श्रीलंका को भी हराई। और ये भारत को समझना होगा कि ये जो तीन मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड है और तीन मैच जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये है शेरों की लड़ाई भाई। विलियमसन नहीं है, सऊदी नहीं है, बोल्ट नहीं है, ईसोडी भी नहीं खेल रहे, लेकिन न्यूजीलैंड ने जज्बा दिखाया और इसी जज्बे के कारण न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। तो रोहित शर्मा को यहां से यह भी सोचना होगा कि जो एक भारत का एक वो हो गया ना कि मौकिफ की हमें तो भाई 8 नंबर पर भी बैटिंग करानी है, तो उन्होंने शार्दुल को खिलाया, नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, लेकिन 8 नंबर पर बैटिंग या फिर तीसरा तेज गेंदबाज हो जो विकेट लेने जाए। मिसकैलकुलेशन हुआ रोहित शर्मा से यहां पर, आखिरी ओवर शार्दुल का आ गया था, वो ओवर्स मिसकैलकुलेट हो गए थे। तो शार्दुल ऑलराउंडर 8 नंबर पर बैटिंग क्या आपको चाहिए हर मैच में, या फिर आपको जहां पर गेंदबाजी कभी कभी दिक्कत करती है चेज कराते हुए उमरान मलिक को खिला लेते, आपको एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर ही होता, भले उमरान भी 10 में 100 खा लेते, क्या पता वो 4 आउट कर देते। तो ये चीज मुझे लगता है कि भारत को इस चीज को समझना होगा आगे आने वाले मैचेस में। रायपुर में मैच है, इंदौर में मैच है, इंदौर में तो भाई साहब हो सकता है 400 रन भी बन जाए। तो भारत अच्छा खेला है, लेकिन और अच्छा खेलने के लिए मुझे लगता है कि गेंदबाजी को थोड़ा मजबूत करना होगा। अब अगेन हमने शुभमन गिल की बात, मोहम्मद सिराज की बात होनी जरूरी है, जो उन्होंने वो स्पेल डाला है, जो दो विकेट उन्होंने आके 10वें ओवर में अपने लिए, उसी ने मैच जीता है। कुलदीप यादव बार बार वो भी विकेट ले रहे हैं, उन्होंने आज फिर दो आउट किए, शायद रोहित ने उनको जल्दी हटा दिया, शायद इसीलिए मिसकैलकुलेशन भी हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको खुशी देता है, शमी ने बहुत अच्छा कर रहे थे, बाद में आके उनको भी थोड़ा सा रन उनके भी पड़ गए। लेकिन ओवरऑल इंडिया को ये देखना होगा कि जब वो बैटिंग करते हैं तो सिर्फ एक बैट्समैन जो सेट है उस पे नहीं, आपके नीचे वाला आकर भी 10 गेंद में 20-22 रन बनाने की कैपेबिलिटी अगर रखता है तो बनाए, नीचे वाला आकर रन बॉल नहीं बना सकता, क्योंकि फिर आपको जो विराट उस दिन खेल गए या आज शुभमन गिल खेल गए या वहां ईशान किशन खेल गए, ये पारी बार बार नहीं देखने को मिलती, ये कभी कभी होती है। द गुड थिंग अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम इज दो यंगस्टर्स पिछले 5 मैचों में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, वहां ईशान या शुभमन गिल, यानी कि आपके पास है, आपके पास मसौदा है, आपके पास मटेरियल है, बस सही वक्त पर उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस सीरीज का पहला मैच बड़ा मजेदार था जी, वो तो सिराज ने बॉल डाल दिया और सिराज ने जबरदस्त गेंद किया कि आप मैच जीत गए, कुलदीप ने बीच में दो आउट कर लिए। भारत का भी कंपैरिजन करें, भारत संभाव इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चल रहा है, लेकिन नीचे से आके आप कभी विराट के बल्ले से वो रन, तो कभी आज शुभमन गिल के बल्ले से वो रन चाहते थे, आपके नीचे वाले बल्लेबाज आकर वो रन नहीं बना रहे, जिस चीज का खौफ आप हार्दिक पांड्या का या बाकियों का हो। मसलन आप भारत का स्कोर क्या था, अगर वही स्टेज पर 29 ओवर को बेंचमार्क रखें तो भारत का चौथा विकेट गिरा था 175 रन थे और उनका छठा विकेट गिरा था 131 रन थे, यानी कि उस वक्त भी भारत उनसे 44 रन आगे चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने वो फासला कवर किया 6 विकेट गिरने के बावजूद, और भारत को अगर शुभमन गिल ने आखिर में वो लंबे लंबे छक्के ना मारे होते 350 भी नहीं बनते। तो मुझे लगता है कि ये एक सीख भारत को लेनी होगी, टीम अच्छा खेली है। वनडे देखिए, एक रन से जीते या 100 रन से जीते, जीत जीत है।